हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उमेश व्यास, यूबी योर बायो टीचर। बायोलॉजी के सपनों की दुकान में आपका स्वागत है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो आज का टॉपिक है, दैट इज द ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस ओपी। इसी के साथ हम देखेंगे प्लस टीपी एंड डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। ठीक, ये लीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है। तो देखिए, फर्स्ट चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा किसी सॉल्यूशन का होगा। Means OP is always in solution। ठीक, यानी OP अगर होगा तो किसी solution का होगा। तो कह रहा OP is always in solution। Second, TP never will be greater than OP। जब भी मैं TP आपको बोलूंगा तो TP कभी भी OP से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब मैं आपको पहले OP को एक्सप्लेन करता हूं कि OP क्या चीज है। देखिए, दिस वन इज द बाइफर्केटेड चैम्बर। ये लीजिए, ये दो चैम्बर हैं और दोनों ही चैम्बर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कैसे हैं, सेपरेटेड। दिस वन इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, मैं क्या काम करता हूं, एक तरफ फिल कर देता हूं प्योर वाटर, और ये वाटर है सपोज करो 1 लीटर। मैंने दूसरी तरफ भी प्योर वाटर फिल किया है, ये भी कैसा है 1 लीटर। ठीक, इसका लेवल है एक्स एंड इसका ए। दोनों तरफ क्या है, प्योर वाटर, प्योर वाटर। इधर भी क्या है, प्योर वाटर। ठीक, दोनों तरफ जो वाटर है वो कैसा है, इक्वल कंसंट्रेशन में है। क्या इस टाइम पे वाटर का मूवमेंट होगा, या होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। मैं सपोज करो इसको बोलता हूं दिस वन इज द चैम्बर ए एंड दिस वन इज द बी। तो आप कहेंगे इस टाइम पे वाटर का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, और अगर होगा भी तो दोनों डायरेक्शन में इक्वल होगा। मींस नेट मूवमेंट वाटर का किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक, अब मगर मान लिया मैं क्या काम करूं, बी चैम्बर में मैं कुछ सोल्यूट ऐड कर देता हूं। ये लीजिए, ये क्या है, सोल्यूट ऐड किया, और उसमें भी क्या है, सुक्रोज। कितने ऐड किया है मैं ये भी बोल देता हूं, 10 मोल। ठीक, नाउ दिस वन इज द सॉल्यूशन। अब ये क्या हो जाएगा, ये लीजिए, यानी चैम्बर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वन इज द 10 मोलर सुगर सॉल्यूशन। ठीक, जबकि ए में कोई सॉल्यूट नहीं है, प्योर वाटर है। नाउ अब क्या होगा, तो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। अब वाटर मूव करेगा कहां से, ए टू बी। सिचुएशन क्या आएगी ये देखते हैं, सेम वही बाइफर्केटेड चैम्बर है, यही ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहां इनिशियल जो वाटर का लेवल था ए, लेकिन जैसे ही क्या चलेगा, ऑस्मोसिस होगा। इस प्रोसेस को मैं ऑस्मोसिस बोलता हूं।
means diffusion of water from its higher concentration to lower concentration. देखिए इस तरफ प्योर वाटर है, बी की तरफ क्या है, सोल्यूशन है, तो वाटर का कंसेंट्रेशन किधर ज्यादा है, ए की तरफ, तो ए से वाटर मूव करेगा बी में, तो ग्रेजुअली क्या होगा, चैम्बर ए में वाटर का लेवल ए से डिक्रीज होकर कहां पहुंच गया, ए डैश. जबकि अगर सेम सिचुएशन अगर देखेंगे तो ए नहीं सॉरी एक्स था, एक्स से डिक्रीज होकर के कहां आ गया, एक्स डैश, और बी में इंक्रीज होकर के कहां पहुंच गया, ए से ए डैश. ये लीजिए, ठीक, दिस वन इज द प्योर वाटर और इधर क्या है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी कौन सा है, सुगर सॉल्यूशन. ये लीजिए, यानी सॉल्यूशन का जो लेवल था वो कहां से ए टू ए डैश इंक्रीज हो गया, और जो प्योर वाटर था वो एक्स से डिक्रीज होकर के एक्स डैश पे पहुंच गया. अब मैंने इसके पहले भी बोला था आपको, वाटर पोटेंशियल में ये जो इंक्रीज लेवल ऑफ सॉल्यूशन है, ये इंक्रीज लेवल ऑफ सॉल्यूशन है, कितना इंक्रीज लेवल ऑफ सॉल्यूशन इनिशियल लेवल पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, दैट इज इक्वल टू ओपी. तो मैं कहूंगा ये लीजिए, कितने हाइट तक इंक्रीज हुआ है, एच, ये इनिशियल लेवल पर, इस लेवल पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसका प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो एच डी जी, जहां एच क्या है हाइट, यानी ये पूरी डेप्थ, डी क्या है इस सॉल्यूशन की डेंसिटी, एंड जी क्या है ग्रेविटी, एंड इट विल बी इक्वल टू ओपी. ठीक, अब इस सिचुएशन में यहां पे इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई है. अब वाटर किधर मूव नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ. यानी देखो जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था तो वाटर किधर से मूव कर रहा था, अपनी प्योर स्टेज से सॉल्यूशन की तरफ, तो क्या हुआ, वाटर का लेवल डिक्रीज हुआ और सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हुआ. लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई, मींस अब वाटर ए से बी में मूव नहीं कर रहा था. ये क्या था, ए, एंड दिस वन इज द बी, ए से बी में मूव नहीं कर रहा. इस अगर इस स्टेज को आप देखोगे तो आप ये बोल सकते हैं कि ए एंड बी में वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इन ए इज इक्वल टू साई डब्ल्यू इन बी. ठीक, तब जाकर के वाटर का जो डिफ्यूजन है, जिसको मैं ऑस्मोसिस बोलता हूं, वो कैसा हो गया, स्टॉप. या आप ये कह सकते हो डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर इन ए इज इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर इन बी. ठीक, ए और बी में अब डिफ्यूजन प्रेशर कैसा हो गया, इक्वल. डिफ्यूजन प्रेशर किसका, वाटर का, बिकॉज वाटर ही क्या काम कर रहा था, मूव कर रहा था. तो आप पहले भी बोला था एक सब्सटेंस हायर डीपी से लोअर डीपी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा. तो अगर वाटर मूव कर रहा था ए टू बी, तो इसका मतलब ए में जो डिफ्यूजन प्रेशर था, दिस वन डिफ्यूजन प्रेशर कैसा था, ज्यादा. और बी में डिफ्यूजन प्रेशर कैसा हो गया था, कम. कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने बी में कुछ सोल्यूट एड कर, इसलिए कैसा हो गया था ये, कम. लेकिन ये कब तक मूव करेगा, तो आपने कहा जब तक दोनों तरफ ए एंड बी में वाटर पोटेंशियल कैसे नहीं हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाएगा. या मैं दूसरे रूप में बोलूं तो मैं कह सकता हूं जब ए एंड बी में वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर इक्वल नहीं हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टॉप. अब इस समय आप देख लो ये सॉल्यूशन कितनी हाइट तक इंक्रीज हुआ है, जितनी हाइट तक इंक्रीज हुआ है ये फॉर्मूला लगा दीजिए, पी इज इक्वल टू एच डी जी, और यही क्या होगा, ओपी. ठीक, एनसीईआरटी ने भी ओपी के लिए एक डायग्राम दिया हुआ था, जो एग मेम्ब्रेन वाला था, वो किस टाइप से बोल रहा था मैं वो भी बता देता हूं. ये एक्चुअल में क्या था, ऑस्मोसिस ही था. ये क्या है एक्चुअल में, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस मैंने इसको क्यों बोला, बिकॉज वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किधर जा रहा था, सॉल्यूशन की तरफ. तो ये पहली डेफिनेशन मैंने बोल दी, किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की. अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं, जो उसने दिया हुआ था वो डेफिनेशन क्या थी. ये सेम चैम्बर है पहले की तरह,
बाइफर्केटेड है, बेस पे यहाँ क्या लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, मैं दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ क्या है लेवल ए और ये कैसा है एक्स सॉरी और ये है ए, ये लीजिए वाटर फिलअप कर दिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दूसरे साइड में भी मैंने क्या कर दिया फिलअप, ये क्या है वही प्योर वाटर, इधर भी क्या है प्योर वाटर। ठीक, दिस वन इज द ए एंड ये है चैम्बर बी। अब मैं क्या काम करता हूं, बी चैम्बर में वही पहले की तरह ये ऐड कर दिया सोल्यूट, सोल्यूट में क्या है वही सुगर, सुगर भी कितनी है 10 मोल। ठीक, सुगर ऐड करते ही मैंने क्या काम किया, इस बी में एक पिस्टन लगा दिया, ये लीजिए यहां पे लगा हुआ है एक पिस्टन, लेकिन इस पिस्टन से मैंने क्या करने की कोशिश किया हुआ है, ताकि अगर वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होना चाहें ए टू बी तो डिफ्यूज ना हो पाए, उस डिफ्यूजन को रोके, और ये डिफ्यूजन क्या कहलाएगा ऑस्मोसिस, बिकॉज मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो मैंने ये पिस्टन जो अप्लाई किया हुआ है, दिस वन इज द पिस्टन, इस पिस्टन से मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैं केवल इतना काम कर रहा हूं कि इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होना चाहे बी में तो डिफ्यूज ना हो पाए, तो मैंने इस डिफ्यूजन को रोकने के लिए, मैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मैंने एक पिस्टन लगाया। अब ये पिस्टन इन वाटर के मॉलिक्यूल को डिफ्यूज होने से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। तो इस रोकने में जितना इस पिस्टन पे प्रेशर लगा हुआ है, जितना प्रेशर लगाया है दैट इज इक्वल टू ओपी, ये भी कैसा है ओपी के इक्वल है। ठीक, अब यही देखो, जब आपने पिस्टन लगा करके इस सॉल्यूशन का लेवल फिक्स कर दिया, मींस आप इंक्रीज नहीं होने दे रहे, बाकी प्रेशर नहीं लगा रहे आप ऐसा मत समझ कि मैं पिस्टन से एडिशनल फोर्स लगा रहा हूं, मैं वो फोर्स उतना ही फोर्स लगा रहा हूं जिससे डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी ना हो, मैं केवल इसके लिए लगा रहा हूं, यानी मैंने क्या काम किया है इसको फिक्स करने के लिए, ताकि सॉल्यूशन का लेवल अपने फिक्स लेवल पे रहे। तो इस पिस्टन ने वाटर के मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन से अपोज करने के लिए जितना प्रेशर लग रहा है वही किसके इक्वल है, मैंने कहा ओपी के। लेकिन अगर दूसरे रूप में देखेंगे तो जैसे ही मान लिया अगर आप पिस्टन हटाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे ए टू बी में डिफ्यूज होने लगेंगे, इसका मतलब जब पिस्टन लगा हुआ है तब तक वाटर के मॉलिक्यूल बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं किस पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, बार बार टक्कर मार रहे हैं कि जैसे ही अगर पिस्टन हट जाएगा तो फिर ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर मैं कहूंगा जितना प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल एग्जर्ट कर रहे हैं, या मैं कहूंगा रेट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑल्सो विल बी इक्वल टू ओपी, इसका मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, वो भी किसके इक्वल होगा ओपी के। ठीक, तो ओपी की आपने दो डेफिनेशन दे दिया यहां पे, एक तो आपने क्या बोल दिया कि इस सॉल्यूशन के लेवल को फिक्स रखा है इंक्रीज होने से रोकने के लिए, इस पिस्टन ने जितना प्रेशर एग्जर्ट किया उसको मैं ओपी के इक्वल बोलता हूं। दूसरा मैंने कहा कि ये वाटर के मॉलिक्यूल रेगुलरली क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं किस पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, बट इस पिस्टन की वजह से एंटर नहीं हो पा रहे, तो स्ट्राइक कहां पे कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर। तो जो रेट ऑफ स्ट्राइकिंग है या जो प्रेशर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे लग रहा है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओपी। अब चलिए मैं सेकेंड केस ले लेता हूं। मान लिया ये जो सोल्यूशन मैंने लिया था इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये लीजिए पहले सोल्यूशन जो मैंने लिया था वो कितने मोलर था 10 मोलर, दिस वन इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां एक्स लेवल तक मैंने वाटर फिलअप किया हुआ था, प्योर वाटर है ये लीजिए दिस वन इज द प्योर वाटर,
यहां भी ए हाइट तक प्योर वाटर फिलअप किया हुआ था, ये भी कैसा था प्योर वाटर, बट मैं यहां पहले 10 मोलर सुगर सॉल्यूशन इंक्रीज किया था, अब मैं यहां क्या काम कर देता हूं 20 मोलर या 20 मोल सुगर के क्या कर देता हूं ऐड कर दिया मैंने, तो ये जो प्योर वाटर है ये कन्वर्ट हो गया 20 मोलर सुगर सॉल्यूशन में, ठीक। ये लीजिए अब ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पहले वाले से आप कंपेयर करके देखें, पहले वाला कितने मोलर था, दिस वन इज द 10 मोलर सुगर सॉल्यूशन, अब मैंने इसको कितना कर दिया डबल 20 मोलर कर दिया, और फिर मैं यहां पे क्या कर देता हूं एक पिस्टन लगा देता हूं, लीजिए ये पिस्टन है, इस पिस्टन से मैंने पहले भी बोला है कि मैं एडिशनल प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा, मैं केवल इस पिस्टन को इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि अगर क्या हो जाए वाटर के मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर के सॉल्यूशन में एंटर होना चाहे तो ना हो सके, यानी मैंने ऑस्मोसिस को रोकने के लिए पिस्टन लगाया हुआ है। अब इसी को मैंने बोला था ये जो प्रेशर यहां लग रहा है वो ओपी के इक्वल है, सपोज करो यहां पे जो प्रेशर लग रहा है P1 और यहां पे जो प्रेशर लगेगा जब आपने 20 मोलर सुगर ऐड कर दिया तो ये है P2। अब एक बात नेचुरली देखें, क्या जितना प्रेशर आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इस पिस्टन द्वारा लगाया था क्या उतना ही प्रेशर इस एक्सपेरिमेंट सेकंड में लगाना पड़ेगा या उससे ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे P2 विल बी ग्रेटर देन P1, यानी इस स्टेज में आपको जो प्रेशर लगाना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा लगाना पड़ेगा, इट मींस यहां से एक रिजल्ट निकला। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देखिएगा, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपी, ये लीजिए ये एक रिजल्ट मैंने निकाल दिया आपको इससे कि अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है ज्यादा है तो ओपी भी कैसा होगा ज्यादा होगा, और ये बात उसने एग मेम्ब्रेन से जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था ऑस्मोसिस का तब एनसीईआरटी ने इस लाइन को इस स्टेप खोला हुआ है, ठीक। तो एक सिचुएशन तो ये आ गई, मैंने ओपी को डिफाइन कर दिया, फर्स्ट डेफिनेशन देखिए कौन सी हुई, फर्स्ट डेफिनेशन तो ये है, सेकंड डेफिनेशन ये दी हुई है सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे जो डेफिनेशन दी हुई है ये लिखी हुई है, यानी ओपी की मैंने आपको कितनी डेफिनेशन बता दी 3। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, ये सेम वही बाइफर्केटेड चैम्बर है, ये लीजिए बेस पे क्या लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर का लेवल सेम, इधर प्योर वाटर है एक्स लेवल तक है, यहां प्योर वाटर है ए लेवल तक है। अब मैं क्या काम करता हूं, ये सॉल्यूशन है ए, सॉरी ये चैम्बर है ए एंड दिस वन इज द बी, मैं यहां क्या काम कर देता हूं ऐड करता हूं 10 मोल NaCl के, और सेकंड साइड में ऐड कर देता हूं 10 मोल सुक्रोज या आप ले लीजिए फ्रक्टोज, ये लीजिए ठीक, ये लीजिए। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिस वन विल बी फ्रक्टोज सॉल्यूशन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको मैं बोलूंगा ये क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखना ये है कि वास्तव में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है किधर कम है, ठीक।
इसका पता लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप इस चैम्बर को थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ दीजिए और देखिए किस चैम्बर में सॉल्यूशन का लेवल घटता है और किस में बढ़ता है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में सॉल्ट सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है या फ्रक्टोज का सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। चलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। तो मैंने क्या देखा, ये लीजिए, कुछ देर बाद जब आपने इस एपरेटस का एग्जामिनेशन किया तो आपने देखा जो फ्रक्टोज सॉल्यूशन का लेवल एक्स था वो डिक्रीज होकर के कुछ डिक्रीज हुआ और एक्स डैश पे पहुंच गया, और ये जो लेवल था किसका, सॉल्ट सॉल्यूशन का, ये इंक्रीज होकर के कहां पहुंच गया, ए डैश पहुंच गया। ये लीजिए, दिस वन इज द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड दिस वन इज द फ्रक्टोज सॉल्यूशन। जबकि यहां आप देखेंगे इधर भी मैंने NaCl के 10 मोल लिए थे और इस तरफ भी मैंने फ्रक्टोज के भी 10 मोल लिए थे, बट आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि NaCl ज्यादा कंसंट्रेट था एज कंपेयर टू फ्रक्टोज। उसका रीजन क्या था कि जैसे ही आपने NaCl ऐड किए तो Na एंड Cl यहां पे कैसे हो गए, गए, तो डिसोसिएशन से क्या है, दो टाइप के आयन यहां पे आए। ये देखिए, एक तो Na और दूसरे नंबर पे Cl, ये लीजिए। तो इस वजह से क्या हो गया था कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन था वो ज्यादा कंसंट्रेट हो गया था, बिकॉज जैसे ही NaCl डिसोसिएट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, तो ये जस्ट क्या काम करेगा, डबल इंटर मोलिकुलर स्पेसेस को क्या करेगा, अकुपाई करेगा। जबकि अगर फ्रक्टोज की आप बात करेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं हो सकता, मींस इसमें आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस NaCl के कंपैरिजन में हाफ, यानी इसके कंपैरिजन में हाफ क्या करेगा, इंटर मोलिकुलर स्पेसेस को क्या करेगा, अकुपाई करेगा। अगर इंटर मोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन वाटर क्या हो जाएंगे, कम अकुपाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब वाटर मोलिक्यूल फ्रीली क्या काम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सही है। यहां इसके पहले मैंने वाटर पोटेंशियल में आपको बोला था, ये मान लिया क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको चारों तरफ से किसने कवर कर रखा है, Na एंड Cl ने। तो देखो ये बहुत क्या हो गया, कॉम्पैक्टली पैक हो गया। जबकि अगर इधर देखेंगे आप तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और इसके अराउंड क्या है, फ्यू फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल फिर भी क्या काम कर सकता है, कुछ मूवमेंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा शो करेगा, बट यहां रेजिस्टेंस कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि चारों तरफ से बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक हो गया है। कौन, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्यों पैक हुआ, बिकॉज आपने पहले बोला है कि जब सॉल्ट को यानी NaCl को आप वाटर में ऐड करेंगे तो ऐड करते ही NaCl क्या हो जाएगा, फटाफट डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसोसिएट होने की वजह से ये जस्ट क्या काम कर रहा है, डबल इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है इसके कंपैरिजन में। तो यहां से फिर एक रिजल्ट आया जो मैंने रिजल्ट पहले भी आपको निकाल के दिखाया था, रिजल्ट इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या निकला, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सर्ट मोर ओपी एज कंपेयर्ड टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये लीजिए, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करके और दिखा देता हूं आपको, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिएगा। मैं दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, ये लीजिए,
ये एक चैम्बर है बट बाइफर्केटेड है, इनके बेस पर सेम वही क्या लगी हुई है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, दिस वन इज द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। यहाँ वाटर प्योर वाटर है, इधर भी क्या है प्योर वाटर है, ठीक। इसका लेबल एक्स और इसका ए, मैं क्या काम कर देता हूँ इनको रेस्पेक्टली भी वही मान लेता हूँ कि ये क्या है ए चैम्बर दिस वन। मैं एक तरफ क्या काम कर देता हूँ 10 मोल ZN Cl2 ऐड कर देता हूँ और दूसरी तरफ 10 मोल NaCl ऐड कर देता हूँ। देखो दोनों ही बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी कैसा है इलेक्ट्रोलाइट और ये भी कैसा है इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट। अब ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया और बी वाला भी किस में कन्वर्ट हो गया ZnCl2 जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। अब इस सिचुएशन में देखें कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो आप थोड़ी देर इसको भी छोड़ दीजिए, देखते हैं वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है। अगर वाटर का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता इट मींस दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के आइसोटोनिक हैं। और अगर वाटर ए से बी में जाता है तो इसका मतलब ए कम कंसंट्रेटेड है बी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, अगर बी से ए में आएगा तो इसका मतलब बी कम कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू ए। लेकिन देखते हैं इसको, जैसे ही आपने थोड़ी देर बाद इसको छोड़ दिया तो सिचुएशन क्या हुई ये देखिएगा। सेम वही है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, सॉल्ट सॉल्यूशन का लेवल ए था लेकिन थोड़ी देर बाद डिक्रीज होकर के सॉरी एक्स था और डिक्रीज होकर के एक्स डैश हो गया। जो जिंक क्लोराइड का इनिशियल लेवल था ए, ये इंक्रीज होकर के क्या हो गया ए डैश, ठीक। ये लीजिए मैंने यहां पे क्या बोल दिया कि वास्तव में क्या हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन से वाटर डिफ्यूज हुआ है किस तरफ ZnCl2 की तरफ, ये देखिए, यानी यहां से वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन से ZnCl2 की तरफ चला है। इसका मतलब क्या हो गया ZnCl2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज दोनों ही कैसे हैं इलेक्ट्रोलाइट है, भाई दोनों ही कैसे हैं इलेक्ट्रोलाइट है, तो पहले वाली बात पे आ जाइए। यानी जब मैंने इधर देखा तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल था, ठीक। इसको किसने कवर किया, तो एक तरफ से मान लिया ये लीजिए ये जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं, सपोज करो रेड कलर वाले क्या है एन एन और ब्लैक कलर वाले हैं सी एल एन। अगर आप इधर देखेंगे चैम्बर में देखेंगे तो दिस वन इज द वाटर मॉलिक्यूल और ये लीजिए यानी अभी मैं और बना देता हूं ये लीजिए ठीक। अब अगर यहां देखेंगे तो जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं ये कैसे है मान लिया Cl जस्ट डबल है और ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हुए हैं ये Zn है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ZnCl था ये डिसोसिएट हुआ तो डिसोसिएट होने के बाद Zn का एक
प्लस 2Cl माइनस। अगर यहां की बात आप करोगे तो केवल और केवल एक Na है और एक ही Cl है, तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये 2/3 स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। मॉलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है बी साइड, ये बी, तो ZnCl2 ने इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज्यादा ऑक्यूपाई किए एज कंपेयर टू सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब जो ZnCl2 की तरफ वाला वाटर मॉलिक्यूल था वो बहुत कॉम्पैक्टली, बहुत टाइटली पैक हो गया था, जबकि उसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन था वो थोड़ा सा लूजली पैक था। तो इसीलिए क्या हुआ था, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उस तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज हुए हैं किस तरफ, जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन की तरफ। यानी यहां भी एक रिजल्ट निकल गया, यानी जो मैं यहां लिख रहा था इलेक्ट्रोलाइट एक्जर्ट मोर ओपी एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल सही है। अब मैं अगला रिजल्ट निकाल के आपको दिखाता हूं, यहां से रिजल्ट देखिएगा। रिजल्ट ओपी इज एक्चुअली क्वांटिटेटिव फिनोमिना। देखो मैंने क्या लिख दिया, ओपी इज क्वांटिटेटिव फिनोमिना, बिल्कुल सही है। अरे क्वांटिटेटिव है नॉट क्वालिटेटिव, एंड नॉट क्वालिटेटिव। ये जो रिजल्ट निकाला मैंने यहां से निकाला, कैसे निकाला, बिकॉज NaCl भी कैसा था इलेक्ट्रोलाइट, ZnCl2 भी कैसे था इलेक्ट्रोलाइट, यानी नेचर तो दोनों का एक ही था, लेकिन जो फर्क पड़ गया वो किस चीज का डिफरेंस आ गया यहां पे, कि डिसॉल्व होने के बाद कौन कितने आयन क्या काम करता है, फ्री करता है। इसका मतलब मुझे आयन की क्या देखनी है, क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। मुझे जिंक नहीं देखना, Na नहीं देखना, Cl नहीं देखना, मुझे देखना है कि वास्तव में जब मैं डिसॉल्व करता हूं तो डिसॉल्व करने के बाद कौन कितने आयन फ्री करता है, और जो जितने ज्यादा आयन फ्री करेगा, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, ओपी होगा। इसलिए जब मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा था तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में भी क्वांटिटी का ही फर्क पड़ रहा था। देखो मैंने पहले बोला था कि अगर फ्रक्टोज की बात करोगे तो फ्रक्टोज मान लिया 10 मोल है, ठीक है, तो ये आयोनाइज तो हो नहीं सकता, तो वो 10 मोल ही रहेंगे। जबकि अगर आप NaCl की बात करोगे तो जो मैंने NaCl लिया हुआ था, तो NaCl डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, तो आयोनाइज होने के बाद क्या काम करेगा, जस्ट डबल आयन आ जाएंगे, यानी NaNCl जस्ट डबल आ गए, ठीक है। तो ये बात रही आपकी किसकी, ओपी की, ठीक। अगला ओपी की डेफिनेशन मैं फिर आपको बोलता हूं, फिर ओपी की डेफिनेशन देखिएगा, एक फोर्थ वाली। मान लिया मैं क्या काम करूं, इसके पहले भी मैं एग मेम्ब्रेन के थ्रू आपको बोल चुका हूं, यहां पे जो इंक्रीज्ड लेवल था ये इतना इंक्रीज हो चुका था, अब ये इंक्रीज्ड लेवल अपने इनिशियल लेवल पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, एचडीसी आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, वो ओपी के बराबर है। मान लिया मैं क्या करूं, यहां पे एक पिस्टन लगा दूं, हाँ अब मैं पिस्टन लगा देता हूं, ये लीजिए, और पिस्टन लगा करके मैंने प्रेशर एग्जर्ट किया, और प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद वापस क्या काम किया, इनिशियल लेवल तक ले आया। तो यानी इस पिस्टन से जितना मैंने प्रेशर एग्जर्ट किया है इनिशियल लेवल तक लाने के लिए, यानी वापस लाने के लिए जो उसका इनिशियल लेवल था, वो प्रेशर भी किसके बराबर होगा, इक्वल टू ओपी। ये आ गई फोर्थ डेफिनेशन। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर फिनिश। नेक्स्ट देखते हैं टीपी एंड डब्ल्यूपी। तो आइए बात करते हैं किसकी, टीपी एंड डब्ल्यूपी की। टीपी टर्गर प्रेशर,
टीपी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, टर्गर प्रेशर। देखिए एक बात तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, टीपी इज नॉट फाउंड इन ओपन सिस्टम, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, टीपी इज नॉट फाउंड इन ओपन सिस्टम। ठीक, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं, ये लीजिए से पहले वाला एपरेटस है, ठीक, यहां वही क्या प्रेजेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर एक्स लेवल तक मैंने फिलअप किया था प्योर वाटर, इधर ए लेवल तक मैंने प्योर वाटर इधर भी फिलअप किया हुआ है, बट बाद में मैंने क्या काम किया था, सपोज करो ये है चैम्बर ए एंड ये है चैम्बर बी, चैम्बर बी में मैंने सुगर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए थे, 10 मोल ऐड किए थे, ठीक, तो ये कन्वर्ट हो गया था किसमें, सॉल्यूशन, अब ये हो गया सुगर सॉल्यूशन, और ये स्टील अभी क्या है, प्योर वाटर। ठीक, अब वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे थे कहां से, प्योर वाटर टू सॉल्यूशन, तो ग्रेजुअली इसका लेवल डिक्रीज हुआ था, एक्स डैश पे पहुंचा था, और इसका लेवल इंक्रीज हुआ था, ए डैश पे पहुंच गया था। ठीक, ये कहलाता है ओपन सिस्टम। इस ओपन सिस्टम में ओपी तो है, आपने निकाला था ये एच हाइट तक मान लिया रेज कर जाता है, तो प्रेशर कैलकुलेट किया था पी इक्वल टू एच डी जी, और वही लिखा था आपने ओपी के इक्वल, बट इस ओपन सिस्टम में टीपी विल नॉट फाउंड, इसमें टीपी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी टीपी कहां मिलेगा, तो आप कहेंगे सेल में, तो चलिए टीपी की बात करते हैं अपन, टीपी की बात ही चल रही है, ये एक सेल है, दिस वन इज द सेल, ये लीजिए ये सेल है, प्लांट सेल है, ये सेल वॉल बनाई हुई है, इसके अंदर दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एक सैप वैक्यूल प्रेजेंट है, दिस वन इज द सैप वैक्यूल न्यूक्लियस, एंड वेरियस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, बट मैं एक साथ बोल देता हूं दिस वन इज द साइटोप्लाज्म, यानी दिस वन इज द साइटोप्लाज्म, एंड ये सैप वैक्यूल है, इसके अंदर मिलेगा सेल सैप, किसके अंदर, सैप वैक्यूल के अंदर। ठीक है, अब चूंकि ये भी क्या है, सॉल्यूशन है, बट ये सेल सैप क्या है, मेजर सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस, इसी में पड़े हैं पिगमेंट्स, पिगमेंट में जो मेनली है दैट इज एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन कलरिंग पिगमेंट, नॉट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये केवल और केवल क्या है, कलरिंग पिगमेंट, दिस वन इज द कलरिंग पिगमेंट, प्रोवाइड कलर टू पेटल्स एंड टेपल्स, टेपल मैंने अभी लिलियेसी फैमिली आपको पढ़ाई थी, तो मैंने टेपल बोला था यूनिट ऑफ पेरियंथ, और पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला। ठीक, अब देखिएगा एक नंबर पे इस
सेल का जो ओपी डिसाइड करेगा वो सेल सेप करेगा, बट साइटोप्लाज्म भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, तो ये भी क्या काम करेगा, दोनों एक्टिवली एक साथ इसका ओपी डिटरमाइन करेंगे, और ओपी बताता है कि सेल के अंदर कितना वाटर एंटर करेगा। तो मैं बोल देता हूं, इस सेल को मैंने कहां प्लेस किया हुआ है, ये वाटर फिल्ड चैम्बर में या बीकर में, ये लीजिए, ये तो है सेल, दिस वन इज द सेल, और बाहर की तरफ है प्योर वाटर। ठीक, तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या, वाटर विल एंटर, वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा, क्योंकि बाहर तो क्या है, प्योर वाटर है, और अंदर की तरफ क्या है, सॉल्यूशन है, तो नेचुरल है कि यहां का जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसा है, ज्यादा, और इस सेल सेप की वजह से क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम, बट सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा। ठीक, अब वाटर एंटर कर रहा है, ये लीजिए, वाटर एंटर किया, कहां पहुंचा, सेल के अंदर, ये लीजिए। अगर ये वाटर इस सेल के अंदर एंटर करता है तो जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। ठीक, अगर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से पता है क्या होगा, साइटोप्लाज्म का, मैं सेल का वॉल्यूम नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ये जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है ये क्या काम करेगा, विल एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल, ये लीजिए, ये वॉल पे क्या एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर, दिस वन प्रेशर इज इक्वल टू टीपी, यही क्या है, टीपी, टर्गर प्रेशर, ये लीजिए टीपी। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, यानी देखो डेफिनेशन में मैंने क्या बोला कि मैं एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं, वो बहुत ज्यादा मैंने लेबलिंग कर दी है, मैं फटाफट यहां दूसरा डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा, दिस वन इज द सेल, ये क्या है, एक सेल है, सेल के इनर साइड में क्या प्रेजेंट है, दिस वन इज द इनर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो ग्रीन कलर से बनाई है दैट इज द सेल वॉल, तो बाहर वाली क्या है, सेल वॉल, और ये कैसी है, रिजिड, अंदर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर पूरा ये मान लीजिए कि ये क्या फिलअप है, साइटोप्लाज्म, सेल सेप सहित मान लीजिए आप, एनसीईआरटी ने भी यही बोल दिया, सीधे सीधे क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, तो दिस वन इज द साइटोप्लाज्म विद सेल सेप, एक साथ में कंसीडर कर रहा हूं इन दोनों को, तो नेचुरल है कि अगर ये दोनों आपस में क्या है, सोल्यूशन, ये है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा, अभी मैंने बोला कैसा, कम, एंड सोल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा। अब इस सेल को आप क्या काम करिए, प्योर वाटर में प्लेस करिए, ये लीजिए, बाहर की तरफ मैंने प्योर वाटर फिलअप किया हुआ है सेल के बाहर, ये सपोज करो एक बीकर है, बीकर में प्योर वाटर है, और उसमें सेल को आपने क्या कर दिया, डिप कर दिया है, प्योर वाटर, प्योर वाटर, तो इसका साई डब्ल्यू कैसा होगा, वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा, तो हाई साई डब्ल्यू यानी हायर वाटर पोटेंशियल एंटर करेगा लोअर की तरफ, तो ये देखिए वाटर एंटर कर रहा है, अगर वाटर एंटर करेगा तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये लीजिए मैंने साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज, ये जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है ये एग्जर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल, ये लीजिए ये इंक्रीज्ड वॉल्यूम क्या एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर, कहां पे कर रहा है, वॉल पे, इसी इंक्रीज्ड वॉल्यूम को की वजह से जो प्रेशर लग रहा है किसमें, सेल वॉल पर, उसको मैं बोलता हूं इक्वल टू टीपी, दिस वन इज द टीपी, टर्गर प्रेशर, ये लीजिए,
टीपी, ठीक। जैसे ही टीपी डेवलप होगा तो सेल किस कंडीशन में आ जाएगी, टर्जिड, यानी मैं एक मेंशन कर देता हूं, एक लाइन मेंशन कर देता हूं, पहले तो देखिएगा टीपी, और वो भी कैसा, मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ओपी, यानी टीपी और वो भी कैसा, मैक्सिमम, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मैक्स टीपी इज इक्वल टू ओपी। टीपी की अगर आप बात करोगे तो मैंने क्या लिख दिया कि टीपी विल बी इक्वल, ठीक है, मैक्सिमम टीपी की बात कर रहा हूं, और इसको मैं बोल देता हूं लेस देन ओपी। ये लीजिए, एक तो ये लाइन लिखी हुई है, मैक्सिमम टीपी ओपी के बराबर हो सकता है, या मैं कहूं टीपी ओपी के इक्वल हो सकता है, या उससे कैसा हो सकता है, कम, ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इफ टीपी इज इक्वल टू ओपी देन सेल इज टर्जिड, सेल इज टर्जिड, ठीक। अगर मैं कहूं टीपी इज जीरो, देन आप कहेंगे सेल इज फ्लैसिड। अगर मैं कहूंगा टीपी इज नेगेटिव, देन सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड। अब यहां पे आपको देखने की जरूरत है थोड़ी सी, यहां पे आप देखिएगा इस वन पॉइंट, ये लीजिए, ये अमेरिकन इंग्लिश है, फ्लैसिड, ठीक। अब देखना एनसीईआरटी ने क्या कहा कि जैसे ये एक सेल है, ठीक है ना, सेल के अंदर क्या है, सेल सैप भी है और साइटोप्लाज्म भी है, इसको किसी सॉल्यूशन में रखो, और मान लिया मैं बाहर वाला एक एक बार के लिए क्या मान लेता हूं कि ये सॉल्यूशन है, और ना तो वाटर अंदर जा रहा है और ना ही बाहर आ रहा है, यानी कैसी स्टेज है, इक्विलिब्रियम की स्टेज है, उस स्टेज को उसने बोला हुआ है द स्टेज ऑफ सेल इज कॉल्ड फ्लैसिड। तो यहां एक एनसीईआरटी की लाइन और सुन लो, हो सकता है एनसीईआरटी वाला पूछ ले कि वो कहे इफ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन एंड there is no net movement of water in any side का मतलब क्या है, into cell or out to cell, सही है, then सेल इज फ्लैसिड। ये लीजिए, तो आप इस डेफिनेशन को भी क्या रखें, याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है ये। ये बात किसकी, ओपी की, सॉरी टीपी की। अब देखिए, चूंकि इस सेल में सेल वॉल है, ये प्लांट सेल है, और मैंने कहा है सेल वॉल कैसी, रिजिड, वाटर चाहे जितना एंटर जाए सेल कभी रप्चर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल भी क्या काम कर रही है, टीपी के अपोजिट बट इक्वल प्रेशर क्या काम कर रही है, एग्जर्ट कर रही है। ये लीजिए, जितना टीपी है उतना ही इक्वल प्रेशर सेल वॉल भी इस पे क्या कर रही है, एग्जर्ट कर रही है, तभी ये सेल बिल्कुल बैलेंस्ड है, यानी रप्चर नहीं हुई। अगर टीपी ज्यादा हो जाए किसी भी कारण, कि सेल वॉल है रिजिड है, बट फिर भी मान लिया टीपी ज्यादा हो जाए, किससे, जो सेल वॉल प्रेशर कर रही है, तो सेल कैसी हो जाएगी, रप्चर। तो जो सेल वॉल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है अपोजिट टू टीपी, दैट इज डब्ल्यूपी।
वॉल प्रेशर, लीजिए इसको मैं क्या बोल देता हूं, वॉल प्रेशर। ठीक, तो ये आपके हो गए टीपी ओपी डब्ल्यूपी। ठीक, यानी मैंने क्या बोल दिया, टीपी इज इक्वल टू सॉरी डब्ल्यूपी, टीपी हमेशा डब्ल्यूपी के बराबर होता है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, डायरेक्शन की, तो ये एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। ये लीजिए मैं अपोजिट का साइन लगा देता हूं, ये डब्ल्यूपी इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। बट अगर टीपी कैसा हो जाता है, सपोज करो मैं कहता हूं टीपी इज ग्रेटर देन डब्ल्यूपी, देन पता है क्या होगा, सेल रप्चर्ड, सेल रप्चर हो जाएगी। हालांकि प्लांट सेल में ये प्रोबेबिलिटी बहुत लीस्ट है ही नहीं, बिकॉज सेल वॉल रिजिड है, लेकिन एनिमल सेल में ये पॉसिबिलिटी है कि सेल कैसी हो जाए, रप्चर हो जाए। ठीक, अब अगर मैं टीपी ओपी को कंपेयर करूं किससे, वाटर पोटेंशियल में जो मैंने साइन यूज किए थे, तो मैं देखिए वहां ऐसे कंपेयर कर देता हूं, ओपी इज इक्वल टू साई एस, ये क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल, और ये क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बट ये हमेशा पॉजिटिव में होगा और ये हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक, अगर मैं टीपी की बात करूं तो टीपी विल बी इक्वल टू साई पी, बट यहां टीपी कैसा है, नेगेटिव, और साई पी यहां कैसा होता है, पॉजिटिव। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये किस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, जब सेल प्लाज्मोलाइज ना हो, मैं यहां लिख देता हूं, इफ सेल इज नॉट प्लाज्मोलाइज्ड, अगर सेल प्लाज्मोलाइज हो जाएगी तो फिर कहता क्या होगा, ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टीपी ओपी डब्ल्यूपी, और कंपैरिजन भी हो गया किससे, साइएस एंड साइपी से। ठीक, अब एक चीज के लिए मैं आपको फिर बोल देता हूं कि जब मैं आपको ऑस्मोसिस पढ़ा रहा था तो एनसीईआरटी ने क्या काम किया था, एनसीईआरटी का एक डायग्राम बना हुआ है, अगर आप देखेंगे ये लीजिए, ये एक डायग्राम था, ये दो चैंबर थे जिनको मैं जनरली सेल मान लेता हूं, मान लिया दिस वन इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां वाटर फिलअप है, एनसीईआरटी ने ये नहीं बोला ये चैंबर है ए एंड दिस वन इज द चैंबर बी, एनसीईआरटी ने ये नहीं बोला कि ए एंड बी में कितना वाटर फिलअप है, इसका उसने कैलकुलेशन नहीं किया, ना ही कुछ बताया है। सिर्फ उसने क्या काम किया, इस तरफ कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल बना दिए थे, ये लीजिए, और यहां भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बनाए थे, बस बी के कंपैरिजन में कम, और वाटर के मूवमेंट का डायरेक्शन पूछा था। तो हालांकि अगर वो क्या काम करे, इधर मैं वाटर कैसा रखूं, कम अमाउंट कम रखूं इधर उसके कंपैरिजन में, और सॉल्यूट भी कम रखूं तो, और इधर वाटर ज्यादा है तो सोल्यूट भी ज्यादा है, तो हो सकता है ये दोनों कैसे हो जाए, आइसोटोनिक भी हो सकते हैं। बट उसने अपने आप मान लिया कि जो वाटर का अमाउंट है, वाटर अमाउंट ए में और वाटर अमाउंट बी में, यह है ए और वह है बी, कैसा है, इक्वल, इनको इक्वल मान लिया। अब सोल्यूट का कंसंट्रेशन अगर देखोगे तो बी में कैसा है, ज्यादा, और ए में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, कम, तो वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में चल रहा था, वो अंडरस्टूड मान लिया था उसने। लेकिन यहां जो मैंने आपको ओपी की डेफिनेशन दिया है, आप देख लो मैंने दोनों तरफ वाटर कैसा लिया था, इक्वल, एक तरफ या तो मैंने सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा किया है और या तो फिर दूसरी तरफ मैंने प्योर वाटर लिया है। ठीक है ना, फिर मैंने क्या दिखाया था, मूवमेंट। अब अगर आप देखेंगे
वाटर पोटेंशियल तो मैंने लिखा था, वाटर पोटेंशियल किधर ज्यादा है, ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, बी में कैसा है कम। फिर मेरे को लिखना था साई एस, लेकिन यहां पे मैं जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा मेरे को और मैंने वहां पे बोल दिया था साई डब्लू, यानी सोल्यूट पोटेंशियल किधर ज्यादा है, तो आप कहेंगे ए में कैसा है कम और बी में है ज्यादा। तो इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल सॉरी बोलता हूं, इसको देख लीजिएगा।